बलरामपुर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव में क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना पचपेड़वा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 2/6/2023 को थाना पचपेड़वा की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभिगण ओमपाल पुत्र राम प्यारे निवासी विशुनपुर कोडर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर जगराम पुत्र राम विलास निवासी मझगवां खुर्द थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को मझगवां करबला के पास पक्की सड़क के किनारे भदोही मोड़ से गिरफ्तार कर अभियुक्त गणों को न्यायालय रवाना किया गया। बलरामपुर में कल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में वादी विष्णु शुक्ला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि जब ये बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे तो दो बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा इनका जो पैसा था बैग के सहित लूट लिया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि बैग में 4,08,000 रुपये थे। ये मारुति सुजुकी के एक एजेंसी में ये कैशियर और अकाउंटेंट का काम करते थे। इस तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें जो जिस डायरेक्शन में इनके द्वारा बताया गया था कि जो बाइक सवार हैं वो भागे हैं वहाँ पे तत्काल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाया गया था, पर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का दिखा नहीं। फिर इनका मूवमेंट, जो वादी है इसका मूवमेंट ट्रैक किया गया तो रास्ते में एक फुटेज मिली जिसमें इनके पास बैग नहीं था। वहाँ से इनके ऊपर जो संदिग्ध है इनकी भूमिका नज़र आई। फिर इनसे जब गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा पूरी की पूरी घटना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी लगभग 18 मई के आसपास इन्होंने कंपनी के कुछ पैसे लगभग 3,00,000 के आसपास निकाल लिए थे और उसको इन्होंने कहीं शेयर मार्केट, बिटकॉइन और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया था। उसी के खानापूर्ति और मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा कल पूरा का पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये षड्यंत्र रचा गया था जिसे लूट की शक्ल दी गई थी। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन मुलजिम हैं, जो वादी भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा जो पैसा था उसको 4,00,000 रुपए लगभग रिकवर कर लिया गया है और इसमें टीम ने जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चैलेंजिंग घटना का अनावरण किया है उनको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।